हेलो, वेलकम बैक टू एपेक्स आर्किटेक्ट्स। मैं आपके लिए न्यू रेफिडेंशियल फॉल प्लान लेकर आया हूं। इस प्लॉट के फ्रंट की बात करें तो जो उसका फ्रंट रहेगा वो रहेगा 29 फीट 6 इंच रहेगा, और इसकी जो डेप्थ रहेगी वो रहेगी 59 फीट। ठीक है गाइस, अब मैं आपको थोड़ी इसकी रिक्वायरमेंट बता दूँ। इसकी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, इसमें एक पॉर्च रहेगा और एक इसके अंदर ड्राई रूम रहेगा, और एक इसके अंदर हमारा किचन रहेगा, एक इसके अंदर हमारी लॉबी रहेगी, और लॉबी से ही हमारे दो बेडरूम रहेंगे। एक बेडरूम ये रहेगा, एक बेडरूम ये रहेगा, और लॉबी से ही हमारा एक टॉयलेट रहेगा, और एक इसके अंदर बेडरूम से जो टच रहेगा एक स्टोर रहेगा। ये हमने ओपन एरिया लिया हुआ है, और इस बेडरूम से टच हमारी टॉयलेट रहेगी। इसकी रिक्वायरमेंट गाइस ये है, और एक इसमें अलमीरा ये रहेगी। ठीक है गाइस, अब मैं आपको इसकी डिटेल बता दूँ, इसकी डिटेल क्या रहेगी। इसमें गाइस जो हमारा पोर्च की जो हमारी मेन एंट्री गेट, तो गाइस हमारा ये रहेगा, मेन एंट्री गेट हमारा ये रहेगा, और ये हमारा जो ओपन हमने फ्रंट छोड़ा हुआ है गाइस, इसमें एक फ्रंट ओपन छोड़ा हुआ है। ठीक है गाइस, और इस जो पोर्च की जो हमारी लंबाई रहेगी वो रहेगी 10 फिट, और जो चौड़ाई रहेगी वो रहेगी 14 फिट 7 इंच रहेगी। ठीक है गाइस, और जो हमारा ड्राई रूम है, ड्राई रूम की हमारी लंबाई जो है वो है 17 फिट 7 इंच, और चौड़ाई जो है वो है 12 फिट 7 इंच रहेगी। और किचन की जो हमारी लंबाई रहेगी वो रहेगी 8 फिट, और जो चौड़ाई रहेगी वो 10 फिट रहेगी। इस लॉबी की जो हमारी लंबाई रहेगी वो रहेगी 19 फिट 7 इंच, और चौड़ाई इसकी 18 फिट 9 इंच रहेगी। और इस ओपन, ये हमने एक ओपन एरिया छोड़ा हुआ है, और टॉयलेट की जो हमारी लंबाई रहेगी वो रहेगी 8 फिट, और चौड़ाई जो रहेगी वो रहेगी 5 फिट की रहेगी। और इस वाले ड्राई रूम की जो हमारी लंबाई रहेगी वो रहेगी 13 फिट 7 इंच रहेगी, और चौड़ाई इसकी जो रहेगी वो रहेगी 13 फिट की। और जो टॉयलेट है, टॉयलेट की लंबाई हमारी 8 फिट की रहेगी, और चौड़ाई जो रहेगी वो रहेगी 5 फिट की। और ओपन एरिया की हमने लंबाई 12 फिट, और इसकी चौड़ाई जो है वो 5 फिट 4 इंच की छोड़ी हुई है। इस वाले बेडरूम की लंबाई हमारी 14 फिट की रहेगी, और चौड़ाई जो रहेगी वो रहेगी 13 फिट की। इस वाले बेडरूम बेडरूम से जो डच स्टोर है, इसकी लंबाई हमारी 7 फिट की, और चौड़ाई इसकी हमारी रहेगी 5 फिट की। गाइस, अब मैं इसकी वेंटिलेशन और डोर की बात बता दूँ। इसमें वेंटिलेशन कहाँ रहेगा और डोर कहाँ कहाँ पर रहेंगे। इसमें हमारा जो ड्राई रूम है, ड्राई रूम का जो डोर रहेगा वो हमारा डोर यहाँ पर रहेगा। और इसमें दो वेंटिलेशन है, एक वेंटिलेशन हमारा यहाँ से रहेगा, और एक वेंटिलेशन इस ओपन से रहेगा। और ये जो हमने ओपन एरिया छोड़ा हुआ है, इसका वेंटिलेशन इन दोनों से हो जाएगा। और इस वाले इसका एक डोर हमारा इस लॉबी से रहेगा, ये डोर हमारा यहाँ पर रहेगा। ठीक है गाइस, और इस पोर्च का लॉबी में हमने यहाँ बीच में एक डोर लिया हुआ है, इस जो डोर हमारा यहाँ पर रहेगा। ठीक है, और किचन की जो हमारा डोर रहेगा वो हमारा डोर यहाँ पर रहेगा। ठीक है, और इसका किचन का वेंटिलेशन इस ओपन से हो जाएगा। और इसमें जो हमने एल साइड की स्लैब दी हुई है, ये हमने स्लैब दी हुई है। और इस किचन टॉयलेट का जो डोर रहेगा हमारा यहाँ से रहेगा, और इसका वेंटिलेशन हम यहाँ से बाहर से भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, और इस बेडरूम का जो डोर रहेगा वो हमारा यहाँ से रहेगा। ठीक है, और इसका जो वेंटिलेशन रहेगा, हमने जो ओपन एरिया जो पीछे छोड़ा हुआ है, इसका वेंटिलेशन हमारा यहाँ से हो जाएगा। और इस डोर का जो डोर रहेगा वो हमारा यहाँ पर रहेगा, और इसका वेंटिलेशन इस ओपन से हो जाएगा। और ओपन में ही हमने इस बेडरूम से टच जो किया है, डोर हम यहाँ पर टच कर लेते हैं। ठीक है, और इस बेडरूम का जो डोर रहेगा वो हमारा यहाँ पर रहेगा, और इस बेडरूम का जो वेंटिलेशन रहेगा इस ओपन से रहेगा, और इस टॉयलेट का जो डोर रहेगा वो यहाँ पर रहेगा, और इसका वेंटिलेशन इस ओपन से हो जाएगा। ठीक है गाइज, अगर गाइज आपका प्लॉट साइज सेम यही है तो आप ये रिक्वायरमेंट देख सकते हैं। अगर गाइज आपका प्लॉट साइज डिफरेंस है तो गाइज आप जो भी रिक्वायरमेंट आपकी डिफरेंस रहेगी वो डिफरेंस है, गाइज हमारे से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर इसी में ही है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट डिफरेंस रहेगी वो आप हमें बता सकते हैं, आपको हम रिक्वायरमेंट वही दे देंगे। थैंक यू फॉर गाइज एपेक्स आर्किटेक्ट्स।